पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ एमपी कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से एमपी कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in। हम तो प्राइवेट स्कूलों को प्रणाम करेंगे, और आप भी अगर प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का दाखिला किए हों तो जाके उनके चरण छुएं और उनको प्रणाम करें, क्योंकि फीस के बहाने ये कैसे चौंचले करते हैं इसकी नज़ीरें मध्य प्रदेश में ये दूसरी दफ़ा है। इस दफ़ा खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना से है, जहां बाकायदा छात्र ने फीस जमा की थी, लेकिन उनके जो नियम कायदे हैं प्राइवेट स्कूलों के, उनके कायदे में वो नहीं आया और उसको CBSE की परीक्षा में उस छात्र को नहीं बैठने दिया। बड़ा अजीब मामला है, ज्ञापन दिया है, शिकायत हुई है, स्कूल तो ये तक कह रहा कि आप अपनी फीस ले जाओ, हमें आपको पढ़ाना ही नहीं। तो हम फीस को लेके सरकार से ज़रूर कहेंगे, लॉकडाउन के बाद जो आपने बोला था वो सरकार ने किया नहीं, लेकिन स्कूलों ने मनमाफिक तरीके फीस वसूली और अभिभावकों को परेशान किया। देखिए इस रिपोर्ट को हमारे साथ। देश में जितने सरकारी स्कूल बने हैं उनमें पढ़ने सिर्फ गरीब जाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में रही इस मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल की मनमानी के किस्से ढेरों हैं। ऐसे ही एक स्कूल की लापरवाही ने छात्र के साथ ऐसी खिलवाड़ की कि इस स्कूल की मनमानी क्षेत्र से निकलकर विधानसभा तक पहुंच गई। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना इलाके से जुड़ी है, और वो स्कूल गोमती नंदन CBSE स्कूल है, जहाँ के संचालक विकास अग्रवाल ने ओमकार नाम के नवी कक्षा के छात्र से 16,000 रुपए फीस भी वसूल ली और उसका परीक्षा फॉर्म भी नहीं भरा, इस वजह से वह परीक्षा नहीं दे पाया। यह छात्र और उसके परिजन जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल प्रबंधन कहता है कि आप फीस वापस ले लें, हमें इस छात्र को पढ़ाना ही नहीं। भाई गजब हो गया। तुमने कुछ नहीं बताया सर, हमने CBSE से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें पास फॉर्म ही नहीं आया, ऐसा ओम ठाकुर नाम का कोई फॉर्म ही नहीं आया। फिर हमने स्कूल से पूछा सर आपने फॉर्म क्यों नहीं भेजा, तो उन्होंने कहा कि आपने अक्टूबर की फीस नहीं भेजी थी तो भरी थी, तो हमने आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, हमने आपका भेजा ही नहीं है फॉर्म। पहले सर उन्होंने कहा कि हम फॉर्म भेज रहे हैं, फिर उन्होंने कहा फॉर्म ही नहीं भेजा उन्होंने सर, और फिर कह रहे हैं कि आप MP बोर्ड में ट्राई करो, MP बोर्ड में हो जाएगा आपका एडमिशन, आप फीस वापस ले लो। सर मेरा एक साल बर्बाद हो गया, अब सर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि उन्होंने मेरी किस बेसिस पे फॉर्म रिजेक्ट किया। मेरा नहीं सर, 11 बच्चों का रिजेक्ट हुआ है फॉर्म, यहाँ तक कि 11th क्लास के बच्चे तक हैं उसमें। सर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। छात्र और इसके परिजन ने इसकी शिकायत SDM से की है। कोरोना काल में लगातार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की कई तस्वीरें सामने आईं। कुछ स्कूल पूरी फीस भी वसूल रहे हैं, कुछ स्कूलों ने ट्यूशन फीस ही इतनी बढ़ा दी कि लगे कि यह बीते साल की टोटल फीस के बराबर हो। ओमकार जैसे कई छात्रों के भविष्य यह प्राइवेट स्कूल खराब कर चुके हैं। अब शिवराज सिंह नाम के बच्चे ने मुझे ज्ञापन दिया है, ये 9th क्लास का बच्चा है और ये गोमती नंदन स्कूल में पढ़ता था। अभी पिछले लॉकडाउन के पीरियड में ये फीस भरने में इसने जिसने 16,300 रुपये फीस भर दी है, 12/2/2021 में इसने रसीद भी प्राप्त कर ली है, किंतु इसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, ऐसे इस ज्ञापन में मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। इस संबंध में मैं BO को और संबंधी को एक पत्र जारी करके, नोटिस जारी करके इनसे स्पष्टीकरण ले लूँ कि आखिर कारण क्या है। इस देश का दुर्भाग्य, सरकार हर साल लाखों स्कूल खोलती है लेकिन उन स्कूलों में सिर्फ गरीब का बच्चा पढ़ता है। ऐसे प्राइवेट स्कूलों में मध्यम और अमीर व्यक्तियों के लड़के पढ़ते हैं। जिस दिन सरकारी स्कूलों में अधिकारी नेताओं मंत्रियों के बच्चे पढ़ने लगे उस दिन ही सरकारी स्कूलों के सिस्टम सुधर जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही प्राइवेट स्कूल छात्रों की जिंदगी बर्बाद करेंगे और करते रहेंगे। सरकार एवं प्रशासन सिर्फ जांच करेगा, क्योंकि इन प्राइवेट स्कूलों में सरकारों के भी बच्चे पढ़ते हैं और प्रशासन के भी बच्चे पढ़ते हैं। पुष्पेंद्र राजपूत, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, बीना। सागर एक्सप्रेस न्यूज़।
के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।